हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, जिस तरह से कोविड-19 ने पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल दिया था, उसी तरह इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी देशों ने अपने बेस्ट साइंटिस्ट को काम पर भी लगा दिया था। इन सभी देशों में हमारा भारत भी शामिल है, जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को इतने बड़े लेवल पर डेवलप किया कि न केवल हम इंडियंस बल्कि बाहर के कई देशों ने भी इसका फायदा उठाया है। एक बार फिर से कोविड-19 के लिए हमारे इंडिया की भारत बायोटेक ने आसान तोड़ निकाल लिया है और वो है नेजल कोविड-19 वैक्सीन। आपको बता दें कि रिसेंटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को डिजाइन किया है। और ये नेजल वैक्सीन की हर तरफ इसीलिए बात भी हो रही है क्योंकि ये SARS कोविड-2 के अगेंस्ट बनाई गई इंडिया की पहली नेजल वैक्सीन है। दिसंबर के महीने में ही भारत बायोटेक ने ये अनाउंस किया था कि वो होम ग्रोन नेजल वैक्सीन को सेल करने के लिए तैयार है, जिसमें अगर गवर्नमेंट इसे प्रोक्योर करना चाहती है तो उन्हें इस वैक्सीन की कॉस्ट 325 रुपीस पर शॉट पड़ेगी। वही प्राइवेट वैक्सीन सेंटर को इसके एक शॉट के लिए 800 रुपए देने होंगे। इसी पर भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण एल्ला ने इसे एक ग्लोबल गेम चेंजर बताया है और ये भी कहा है कि भारत बायोटेक बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है कि उसने इनकोवैक को बनाया है, जो कि इंटरनेशनल वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरी सिस्टम में एक ग्लोबल गेम चेंजर की तरह उभर कर आया है। दोस्तों, यूं तो आज कोविड-19 की वैक्सीन की डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ गई है, फिर भी भारत बायोटेक ने इसे बनाकर ये साबित किया है कि इंडिया आगे आने वाली इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटीज सेंट लुइस के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है, और अगर हम भारत बायोटेक की वेबसाइट पर देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल वैक्सीन ब्रांड इम्यून रिस्पांस फोर्स को स्टिम्युलेट करती है, जिससे LGG म्यूकोसल LGA न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वही टी सेल रिस्पांस करके इन्फेक्शन की साइट पर इम्यून रिस्पांस क्रिएट करती है, जो आगे इन्फेक्शन और कोविड-19 के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। और जैसे कि एक इंटरनेशनल वैक्सीन है, ये वैक्सीन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया में लोकल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिससे इन्फेक्शन और उसके ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।